बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूं बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने ईमान में। आज हम बनाएंगे जे अंडा और भिंडी। नहीं खाई होगी आपने कभी भी इतनी टेस्टी भिंडी, ना तो इसका कलर ख़राब होगा भिंडी का और ना रहेगी लेस, और इतना टेस्ट अच्छा कि जो नहीं खाता वो भी खाने से हाथ ना रुके। और इस तरह की आप भिंडी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि भिंडी हर घर में बनती है। इस तरीके से बना के भिंडी देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका ये भिंडी का सालन कैसा बना। अच्छा जी, ये काटने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसको हमने लगाना है, कट लगाना है, कट लगा के तो फिर हमने करना है इसकी कटिंग। चाहे आप इससे भी छोटी कर लें, चाहे आप इतनी इतनी कटिंग कर लें। और इसका टेस्ट इससे भी इसलिए भी ज़्यादा अच्छा बना है क्योंकि इसमें मैंने नमक मिर्च और अदरक ये भिंडी को भी लगाया है और प्याज में भी डाला है, ठीक है। और अंडे, दो अंडे ले लें आप। इसको आप थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे से फेंट लें। इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है। और आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस भिंडी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि भिंडी हर घर में बनती है। और आप एक दफ़ा इस तरह भी ट्राई करें, देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी। ये देखें, मैंने जो मसाले डाले थे, मैंने दो दो टीस्पून डाले थे सुरख मिर्च का, दो टीस्पून, और डेढ़ टीस्पून मैंने नमक का लिया था, और एक मैंने हल्दी का लिया था, ज़ीरा मैंने एक टीस्पून लिया था, और ये दो टीस्पून मैंने लिए हैं जी लहसुन के। अच्छा जी, इसमें मैंने हाफ हाफ जो मैंने ये भिंडी को लगा लिया, नमक मिर्च और हल्दी बस मैंने लगाया है, बाकी मैंने ज़ीरा वगैरह नहीं लगाया। इसको मैंने अच्छे से मसल दिया ताकि इसके अंदर, इसी के साथ मैं फ्राई करूंगी। ये लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा और भिंडी का भी ये आप टेस्ट अच्छा बनेगा। अच्छा जी, दो मैंने इसके अंदर अंडे डालने हैं और डाल के अंडे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना। इससे आपकी भिंडी का एक तो कलर नहीं ख़राब होगा, अब बल्कि मेरी भिंडी दो दिन की पड़ी थी फ्रिज में, इसमें थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, वरना आपकी अगर ताज़ा भिंडी ला के बनाएंगे तो ये आपका और भी कलर अच्छा आएगा। और ये मैंने तकरीबन एक कप से कम ही लिया है मैंने ऑयल। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है, इसमें ऑयल कम लगता है क्योंकि भिंडी जो ज़्यादा जज़्ब नहीं करती अंडा लगने की वजह से, वरना भिंडी के अंदर तक घी इतना चला जाता है कि बाद खाने के बाद फिर ज़्यादा महसूस होता है कि ऑयल इसमें ज़्यादा था। इसी ऑयल में तकरीबन पौना कप ये था ऑयल का, इसी ऑयल में मैंने ये तकरीबन आधा किलो थी जी भिंडी, और दो मैंने डाले हैं इसके अंदर अंडे, और इसी में मैंने करनी है जी फ्राई। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और इसकी लेस भी ख़त्म हो गई और मसाला भी इसके अंदर तक चला गया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्राई ना करें क्योंकि इससे कलर भी ख़राब हो जाता है और भिंडी का टेस्ट भी जो वो इतना नहीं रहता जितना कि ऐसे कम फ्राई करने से होता है। बस इतना फ्राई कर लें कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें और मेरा हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है भिंडी का भी और अंडे का भी। ये उसी ऑयल में मैंने, और ऑयल नहीं डालना मैंने, उसी ऑयल में मैंने तकरीबन, अच्छा जी ये मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जो मैंने इसमें डाले हैं। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, जस्ट हमने सॉफ्ट करना है प्याज को। और इसे ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसमें से प्याज निकाल लेना है ताकि खड़ा प्याज भी भिंडी के अंदर नज़र आए। बकाया प्याज को मैंने अच्छी तरह टमाटर डाल के, दही डाल के अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है और इसको भून लेना है। और एक आधा कप था मेरे पास दही का, क्योंकि भिंडी में खटास ज़्यादा चाहिए तब ये भिंडी अच्छी लगती है। कुछ लोग इमली और अनारदाना डालते हैं, उसके साथ कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये जो बकाया स्पाइस जो बचे थे वो मैंने इसमें डाल दिए। आप स्पाइस अपने हिसाब से डालिएगा।
टमाटरों को हमने इतना कि सॉफ्ट करना है कि इसमें नज़र भी आए और इसकी खटास प्याज में भी चली जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने ये हाफ प्याज जो टमाटर थे मैंने भिंडी में डाल के फ्राई करने थे, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन आपने ज़रूर भिंडी में टमाटर डाल के फ्राई करने हैं। और ये मैंने अब डालना है जी, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है अदरक का। दही डालने से जो मिर्च का टेस्ट है वो अच्छी तरह वो भुन जाता है, क्योंकि उसमें पानी मैंने नहीं डाला, जस्ट मैंने दही डाला है। और इसके अब मैंने डाल देनी है इसमें भिंडी, और जो मैंने प्याज रखा था वो मैंने डाल देना है, और थोड़ी सी मैंने कटी हुई 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और अब थोड़ी देर मैं इसको दम दूँगी ताकि ये सारा मसाला जो प्याज का टेस्ट सारा अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए। हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 3-4 मिनट मैंने दम दिया था इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये खाने में भी लाजवाब थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। भिंडी भिंडी का टेस्ट भी आता था, ज़्यादा फ्राई कर लेने से भिंडी का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है।